कक्षा 9 के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत बचे हुए विराम चिन्ह बताए जा रहे हैं और समझाए जा रहे हैं। इनकी परिभाषा, इन विराम चिन्हों को सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर लिखेंगे और तैयार करते चलेंगे। तो आज का विराम चिन्ह नंबर 14 पर ऋणत सूचक चिन्ह। किसी वर्ण अक्षर के विकास की दशा का बोध कराने के लिए परिणित सूचक चिन्ह, ये चिन्ह दिया हुआ है, का प्रयोग किया जाता है। जैसे नृत्य, नच या नाच, ये चिन्ह लगता है। हंस पद चिन्ह, इसका चिन्ह ये है, लिखते समय वाक्य में जब कोई अंग अंश छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर हंस पद चिन्ह लगाकर छूटे शब्द या अंश को ऊपर या हाशिए में लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में, प्रेमचंद हिंदी के उपन्यासकार थे, तो बीच में महान शब्द जैसे छूट गया तो नीचे डैश लगा दिया, ये चिन्ह है, इसको हंस पद चिन्ह कहते हैं, ऊपर महान लिख दिया। वचन प्रकार के होते हैं, जैसे तीन इसमें छूटा था तो डैश लगा के ऊपर तीन लिख दिया, तो ये हंस पद का चिन्ह हुआ। 16 रेखांकन चिन्ह, वाक्य में किसी विशेष शब्द का या अंश पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके नीचे रेखा खींच दी जाती है, इसी को रेखांकन चिन्ह कहते हैं। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो 4 पुत्र के नीचे अंडरलाइन है, यानी रेखा खींची गई है, तो रेखांकन चिन्ह हुआ। नंबर 17 निर्देश चिन्ह का ये साइन है, इसको रेफरेंस साइन भी कहते हैं। शोधन या प्रूफ रीडिंग में इस चिन्ह का प्राय प्रयोग होता है। जब कोई बात अन्यत्र लिखनी हो तो उसे यथास्थान लाने के लिए निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता है, ये डैश लगा है, चिन्ह लगा है सुंदर लड़की। 18 पुनरुक्ति चिन्ह, इसका ये साइन है, जब ऊपर की पंक्ति में लिखी गई बात को ज्यों का त्यों नीचे की पंक्ति में दोहराना हो तो पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, और जो ऊपर है की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, यदि हमको कहना है या लिखना है तो ये यहाँ पे चिन्ह लगा दिए, इनको पुनरुक्त चिन्ह कहते हैं। टिप्पणी सूचक चिन्ह ये होता है, साहित्यिक लेखादि लिखते समय किसी भाव या ग्रंथ आदि पर टिप्पणी करनी होती है तो उस विचार को उद्धत करके उसके अंत में टिप्पणी सूचक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, ये चिन्ह लगा हुआ है, इसको टिप्पणी सूचक चिन्ह कहते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह ये होते हैं, किसी निबंध, कहानी, नाटक, पुस्तक आदि की समाप्ति पर अंतिम पंक्ति के नीचे समाप्त सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहीं कहीं पर बिखर गई वह चित्र विजय माला सी, ये चिन्ह लगा हुआ है, ये पथ के साथी से लिया गया है। इस प्रकार ये विराम चिन्ह पूरे हुए। आज के लिए कक्षा 9 के स्टूडेंट के लिए पर्याप्त है। ओके।